नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूराये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापह। स्वामी विवेकानंद की वाणी। वर्तमान समय में भारतीय युवक उभयमुखी रास्ते पर खड़े हैं। एक तरफ वे देख रहे हैं वैभव एवं विलासिता से पूर्ण रमणीय जीवन, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग पर्याप्त अन्न एवं वस्त्र के अभाव में संघर्ष करते हुए दयनीय जीवन जी रहे हैं। भारत के अमूल्य आध्यात्मिक विरासत, जो कि शाश्वत आध्यात्मिक सत्वों एवं विवेकपूर्ण तथ्यों पर प्रतिष्ठित है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने आविष्कार किया है, वह मानव आधुनिक भौतिकवादी एवं अनैतिक मूल्यों की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो कि इंटरनेट, दूरदर्शन एवं जनसंचार के माध्यमों से युवकों तक पहुंच रहा है। इसके कारण प्रतियोगिता, उपभोगवादिता आदि बढ़ रही है, जिसके प्रभाव से वर्तमान समय में युवकों का जीवन दिशाविहीन और तनावपूर्ण हो गया है। ऐसी भयंकर अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और संदेश सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत हितकारक एवं सहायक हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के संदेशों में भारत के आध्यात्मिक भंडार का सार तत्व समाहित है, जिसे उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक आधार पर सहज सरल शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये सभी विश्व मानवता के लिए प्रेरणादायी है। समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म एवं सभी जाति के मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है। स्वामी जी के शक्तिशाली प्रोत्साहक वाणी युवकों के मन को जगाने वाली है। आत्मविश्वास एवं जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करने वाली, उनके हृदय में प्रेम एवं सेवा भाव उत्पन्न करने वाली, हमेशा नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने वाली एवं जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितता के समय सही मार्गदर्शन करने वाली है।